नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद के उपयोग के बारे में आप में से बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का उपयोग करते होंगे लेकिन किसान भाइयों यूरिया खाद का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है वही चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़े किसान भाइयों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ में आ जाए और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आप में से जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई यहाँ पर नई जानकारी डालें तो वो जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से देख पाएँ तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए किसान भाइयों बात करते हैं सोयाबीन में यूरिया खाद के उपयोग के बारे में अगर आपने सोयाबीन की फसल लगा रखी है और अगर आपकी सोयाबीन की ग्रोथ कमज़ोर है तो इस स्थिति में आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यूरिया खाद का उपयोग करने का भी एक सही समय होता है सही तरीका होता है अब किसान भाइयों सही समय की बात की जाए तो जब आपकी सोयाबीन की फसल 25 या 30 दिन के आसपास रहती है तो उस स्टेज के मध्य आपको यूरिया खाद का उपयोग कर लेना चाहिए अब यूरिया खाद का उपयोग करते समय भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी फ़सल की ग्रोथ कमज़ोर है उसी स्थिति में आप यूरिया खाद का उपयोग करें अगर आपकी फसल अच्छी ग्रोथ कर रही है उसके अंदर पीलापन नहीं आ रहा है तो आप उस समय पर यूरिया खाद का उपयोग ना करें क्योंकि सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है तो आप यूरिया खाद का उपयोग करते समय यह बात ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपके सोयाबीन की फसल की ग्रोथ कमज़ोर है तो आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में मतलब पंद्रह से अट्ठारह किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर ग्रोथ अच्छी है पिलापन नहीं है तो आप यूरिया खाद का उपयोग ना करें अगर आप यूरिया खाद का उपयोग कर लेते हैं तो उससे सोयाबीन की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी ग्रोथ जो है बढ़ती ही बढ़ती ही रहती है और जब फ्लोवरिंग फूल आने का समय होता है तो उस समय पर उसके अंदर फूलों का बहुत कम विकास होता है इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में जो है सोयाबीन में फलियाँ कम आती हैं फूल कम आते हैं तो वो इसी वजह से होता है या तो वो किसी ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग कर लेते हैं यानी कि टोनी का उपयोग कर लेते हैं या फिर यूरिया खाद का उपयोग कर लेते हैं अगर सोयाबीन की ग्रोथ कमज़ोर है तो ही आप यूरिया खाद का उपयोग करें अन्यथा ना करें और ख़ास बात यह है कि आप 30 दिन से पहले पहले यूरिया खाद का उपयोग कर लेवें तीस दिन के बाद में यूरिया खाद का उपयोग बिल्कुल भी आप ना करें क्योंकि तीस दिन बाद में सोयाबीन की फसल में जो है फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है द्वितीय अवस्था शुरू हो जाती है तो उसके बाद में आप सोयाबीन में यूरिया खाद का उपयोग ना करें अगर आप उसके बाद भी यूरिया खाद डालते हैं तो उससे उसका प्रभाव उल्टा देखने को मिलेगा आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो आप यूरिया खाद का उपयोग करते समय ये बातें ध्यान में जरूर रखें एक बार और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ग्रोथ कम है तो ही आप यूरिया खाद डालें वरना आप यूरिया खाद का उपयोग सोयाबीन में ना करें किसान भाइयों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद जय जवान जय किसान